बुकाड़ियों के टेबल पर वंदना सिंह जी की पुस्तक चाय की चाह और चाय की प्याली के साथ आप सुन रहे हैं चाय और प्रेशर ज्योति झा की आवाज में। मिश्रा जी धीरे धीरे बुदबुदाए जा रहे थे। पूरा घर बहु बेटी से भरा है लेकिन किसी को किसी की फिक्र नहीं है। खुद से किसी को समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। रिटायर हो गया हूँ तो क्या किसी काम का नहीं। अब एक कप चाय देना भी इन लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। मिश्रा जी की झल्लाहट सुनते सुनते मिश्राइन से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, अजी क्या हो गया, बच्चों को स्कूल जाना होता है, बेटों को ऑफिस, सुबह सुबह जल्दी में एक दिन चाय थोड़ी देर से ही मिल गई तो क्या हो गया। इस पर मिश्रा जी तुनक कर बोले, हाँ मैं तो बेकार का आदमी हूँ, कोई क्यों मेरी परवाह करेगा। जब सबको पता है मुझे उठते ही चाय पीकर प्रेशर आता है तो चाय देने में इतनी देर क्यों की। अब सारा दिन खराब हो गया, पेट ठीक से साफ नहीं होगा तो अब पूरा दिन गैस से परेशान रहूंगा। तुम क्या समझो मिश्राइन, तुम तो पत्थर भी खाकर पचा लेती हो। यह सुनकर तो मिश्राइन को भी गुस्सा आ गया। अब मुझ पर क्यों भड़क रहे हो, अरे यह क्या बात हुई, चाय टाइम से नहीं मिलेगा तो प्रेशर नहीं आएगा। कितनी बार कहा डॉक्टर से दिखा लीजिए, पर हमारी थोड़ी ही सुननी है, बस अपना चलाना जो मन में आए कीजिए। कहते हुए मिश्राइन ने चाय की कप लाकर मिश्रा जी के सामने रख दिया। मिश्रा जी पिछले वर्ष सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे। जब तक नौकरी में थे उन्हें काम की वजह से सिर उठाने तक की फुर्सत नहीं थी। नौकरी में उनका औहदा भी अफसर का था तो सारे समय लोगों से घिरे रहते थे। पहले मिश्रा जी बड़े हंसमुख किस्म के व्यक्ति थे, किसी से भी मिलते तो जिंदा दिली से, लेकिन न जाने क्यों जब से वह रिटायर हुए हैं उनके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया है। जब देखो सबसे चिढ़े चिढ़े रहते हैं। घर वाले भी इनके इस व्यवहार से बहुत चिंतित थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन्हें होता क्या जा रहा है। मिश्रा जी व मिश्राइन के घर में दो बहुएं, दो बेटे, एक पोती, एक पोता और एक अविवाहित पुत्री थी। दोनों बेटे भी सरकारी नौकरी करते थे। कहा जाए तो एक भरा पूरा सुखी परिवार था। परिवार में भी किसी प्रकार का कोई कलह नहीं था, लेकिन फिर भी रिटायरमेंट के बाद से मिश्रा जी चिड़चिड़े हो गए थे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते थे। आज भी सुबह सुबह उन्हें चाय मिलने में थोड़ी देर हो गई, तभी से उनका मूड खराब चल रहा था। घर में पूरे दिन वे छोटी छोटी बात पर सबको डांटते जा रहे थे, यहाँ तक कि बहुएं बात करते करते हंस भी रही थी तो वे बड़बड़ाने लगते, तुम लोगों को तो कुछ काम नहीं, जब देखो खी खी करती रहती हो। उन्होंने अपनी बेटी परिधि को भी टीवी पर MTV रोडीज देखते समय फटकार लगाई, जितना ध्यान से टीवी देखती हो पढ़ाई भी उतने ध्यान से कर लिया करो, 2 साल से बैंक की तैयारी कर रही हो, अभी तक प्री भी नहीं निकाल पा रही, इस बार बैंक की परीक्षा नहीं निकाल पाई तो किसी भी लड़के को पकड़ कर तेरी शादी करा दूंगा, तब डॉक्टर इंजीनियर लड़के का ख्वाब भूल जाना। परिधि ने डर के मारे टीवी बंद किया और अपने कमरे में पढ़ने चली गई। पूरा दिन बस ऐसे ही चल रहा था। मिश्राइन तो बस मन ही मन खींच कर जा रह जाती थी। जब शाम को दोनों बेटे घर आए तो मिश्रा जी का बड़ा लड़का उदय मिश्राइन के पास गया और धीरे से पूछा, पापा का मूड कैसा है। मिश्राइन ने सांस छोड़ते हुए कहा, कैसा रहेगा, तू जानता तो है अपने पापा को, एक बार शुरू होते हैं तो चुप ही नहीं होते। उदय ने इस पर कहा, आज ऑफिस में रंजीत से बात हो रही थी, उसने बताया उसके पापा के साथ भी रिटायरमेंट के बाद ऐसा हुआ था, लेकिन उसके एक डॉक्टर मित्र ने समझाया कि यह स्थिति उम्र से तो जुड़ी हुई है, पर उससे ज्यादा जब व्यक्ति काम में बहुत व्यस्त होता है और रिटायरमेंट होने के बाद एकाएक खाली हो जाता है तो उससे समय काटना मुश्किल हो जाता है। उदय ने विस्तार से समझाते हुए कहा, वह यह भी बता रहा था कि रिटायर होने वाले व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आता है, जबकि बाकी घर के लोग अपनी
रोजमर्रा की दिनचर्या में व्यवस्थित हो चुके रहते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो घर के सभी सदस्य की जिंदगी तो पहले जैसी चलती है, केवल रिटायर होने वाले व्यक्ति को छोड़कर। इस स्थिति में यदि व्यक्ति के पास अपनी कोई हॉबी है या वह अपने आप को पॉजिटिव तरीके से व्यस्त रखता है तो उसे इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन पापा जैसे लोग जिनकी कोई हॉबी नहीं है, वो जीवन भर उन्होंने केवल ऑफिस संबंधी कार्यों को किया है, तो रिटायरमेंट के बाद यह अपने आप को बिल्कुल से अकेला पाते हैं। माँ, मुझे लगता है हमें पापा को ध्यान से समझना चाहिए। हम सभी को उनके साथ थोड़ा थोड़ा वक्त बिताना चाहिए, उदय ने मिश्राइन को समझाया। मिश्राइन और उदय इसके बाद काफी देर तक इस विषय पर चर्चा करते रहे। थोड़ी देर बाद मिश्रा जी के कमरे की तरफ आने की आहट आई तो दोनों चुप हो गए। जब मिश्रा जी कमरे में आकर कुर्सी पर बैठ गए तो मिश्राइन ने वहां से उठते हुए कहा, उदय तू पापा के साथ बैठ, हम तुम दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आते हैं। थोड़ी देर में मिश्राइन चाय का 2 कप पोहे के साथ लेकर आई। उदय को उन्होंने कप और पोहे की प्लेट पकड़ाई। उदय ने उठते हुए कहा, मैं हाथ मुंह धोकर चाय पी लूंगा, मैं अपने कमरे में ही जा रहा हूँ। फिर उदय कमरे से बाहर चला गया। मिश्रा जी ने अपनी चाय के कप को उठार होंठों से लगाया, एक घूंट पीते ही थू थू करके उसे मुंह से निकाल दिया। उन्होंने चीख कर कहा, यह क्या बनाया है मिश्राइन, चाय है या करेला? मिश्राइन ने कहा, चाय ही है, बस चीनी की जगह आज मिर्च डाल दिया। मिश्रा जी का तो गुस्सा जैसे 7वें पारे पर चढ़ गया। चाय में मिर्च कौन डालता है? मिश्राइन ने तपाक से कहा, चाय में चीनी डालकर चाय मीठी बनाई जाती है, तो आपको नहीं लगता वैसे ही बोली भी मीठी रखकर रिश्तों को मधुर बनाया जाए? जैसे चाय मीठी अच्छी लगती है, बोली भी मीठी ही अच्छी लगती है। आप सब घर वालों से कड़वा बोल बोल कर सबको अपने से दूर करते जा रहे हैं। हमारे छोटे से पोता पोती भी आपके पास आने से डरते हैं। हमें पता है रिटायरमेंट के बाद आप बिल्कुल अकेला और खाली महसूस कर रहे हैं। कम से कम हमसे अपने दिल की बात कीजिए। सब घर वाले आपसे प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, तो आप भी उनके प्यार की कद्र कीजिए। आपको तो पता है ना, बड़े से बड़ा घाव भर जाता है पर जबान से दिया गया दर्द कभी नहीं भरता। मिश्रा जी को लगा जैसे किसी ने उन्हें आईना दिखा दिया हो। उन्हें एहसास हुआ, सच्ची तो कह रही है मिश्राइन, मैं जबरदस्ती सब घर वालों पर गुस्सा निकालता रहता हूँ, जबकि वह मुझे कभी पलटकर जवाब नहीं देते। मिश्राइन ने आगे कहा, आप कल ही डॉक्टर के पास चलिएगा, जो भी आपको दिक्कत है उन्हें बताइएगा, और अब शाम को रोज हम दोनों टहलने भी चलेंगे। आप अपने आप को जितना व्यस्त रखेंगे बेकार की छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं जाएगा। अब हम दोनों सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं, 2 महीने में हम भी कहीं घूमने शहर के बाहर चलेंगे। वैसे भी पैसे की कोई कमी तो है नहीं, भगवान का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। मिश्रा जी की भी ये बात सही लगी। तब उन्होंने नरम होकर कहा, सही, अब मैं अपनी इस झल्लाहट वाली आदत को छोड़ने की कोशिश करूंगा। मैं बस चिढ़ता ही जा रहा था हर छोटी बड़ी बात पर, लेकिन कभी कारण ही नहीं सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मिश्राइन ने कहा, आपको याद है आप कितने खुश मिजाज हुआ करते थे, आपके व्यवहार की वजह से लोग बरपस ही खींचे चले आते थे। बस याद रखिए, आप वही वाले मिश्रा जी हैं। इतना सुनना था कि मिश्रा जी शरारती मुस्कान के साथ बोले, तो मिश्राइन कहाँ घूमने चले, गोवा का टिकट बुक कराऊं क्या? मिश्राइन शर्मा गई और बोली, उम्र का तो लिहाज कीजिए, अभी हरिद्वार से काम चला लेते हैं। फिर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चाहू और, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर।